न्यू रेसिपी है बोदी की सब्ज़ी, या फिर आप इसे बरबट्टे भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम बोदी लिया है और उसी की अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आलू लिया है। यहाँ पे मैं कच्चे आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें डाला है सरसों का तेल। तेल भी लगभग गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच राई के दाने। अब इसमें डालेंगे बोदी। जितना भी मैंने कटिंग करके रखा था सारे एक ही बार में यूज़ करना है। हरी हरी ताज़ी ताज़ी बोदी का सब्ज़ी बनाइए और फिर खाइए। हल्का सुनहरा होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें ताकि जले ना। हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है हरी हरी सब्ज़ियाँ। हल्का सुनहरापन इसमें आ गया है, अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। बोदी तो ऐसा मतलब हरा सब्ज़ी है कि इसे अभी भी लोग कच्चा खाना पसंद करते हैं। कई कई जगहों पे इसे कच्चा खाते हैं लोग। खाने में भी मीठा ही लगता है। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। सारे बोदी को मैंने बाहर निकाल दिया है कुछ इस तरीके से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने फिर से वही पैन लिया है और मैं भी इसमें ऑयल ऐड नहीं कर रही हूँ। जितना भी आलू कटिंग करके रखा था सारे इसमें डाल दूँगी। फिर इसे हल्के हाथों से आप चलाते रहें। यहाँ पे मैं कच्चा आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर उबला आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। इसे भी बीच बीच में चलाते रहें ताकि जले ना। चारों तरफ से इसे चलाना है गोल्डन ब्राउन होने तक। हल्का सुनहरा कलर हो गया है। अब इसमें हमें थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे हमें थोड़ा नमक ऐड कर लेती हूँ ताकि आलू जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब इसे 2 मिनट के लिए और चलाऊँगी। 2 मिनट हो गया है। बहुत ही अच्छा कलर इसमें आ गया है, सुनहरा हो गया है आलू। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। सारा आलू को मैंने यहाँ पे निकाल दिया है उसी बर्तन में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने फिर से वही पैन लिया है, इसमें डाला है फिर से मैंने वही पैन लिया है और इसमें डालेंगे आधा चम्मच राई के दाने। अब यहाँ पे डालेंगे प्याज। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज का प्याज कटिंग करके रख लिया था। अब इसे हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। हल्का सुनहरा कलर इसमें आ गया। अब इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर। इसे भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। टमाटर भी हल्का फ्राई हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाला। यहाँ पे मैंने लहसुन, हरा मिर्च, साबुत जीरा और काली मिर्च का पेस्ट बना लिया है। अब इसे हम डाल देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। नमक मैंने पहले भी थोड़ा यूज़ किया है तो इसी में थोड़ा कम डालूँगी। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। सारे मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना। सारे मसाले को 2 से 3 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। दो से तीन मिनट हो गया है। मसाला भी काफ़ी अच्छी तरीके से पक गया है, देखने से नहीं लग रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ आलू। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कच्चा आलू यूज़ किया है तो फिर मैं यहाँ पे आलू को सॉफ्ट होने के लिए आधा कप पानी का इस्तेमाल करूँगी ताकि आलू जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो मैं इसमें अभी ऐड करूँगी आधा कप पानी। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसे 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। इसमें बॉइलिंग आ गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ बोदी। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट हो गया है। अब इसे हम चेक कर लेंगे। बहुत ही अच्छा खुशबू आ रही है इसमें से। देखने भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। लगभग हमारा सब्ज़ी रेडी हो गया है। अब इसमें हमें एक चीज़ और ऐड करनी है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। चारों तरफ इसे फैला दें। अब इसे मिक्स कर दें।
अब ये हमारा रेडी हो गया आलू और बोदी की सब्ज़ी, टेस्टी टेस्टी सब्ज़ी। आप बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, टेस्टी टेस्टी, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसे मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। यह हमारा रेडी है आलू और बोदी की टेस्टी टेस्टी सब्ज़ी। मैंने इसे यहाँ पे रोटी के साथ सर्व किया है, आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, पराठा, चावल, दाल और आलू बोदी की सब्ज़ी। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में।